मैं हूँ आपकी होस्ट सप्ता बाबर और ये है मेरे साथ किंजा और ये है सोलिया। आज ये आपको बताएंगी 9th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में। इसका चैप्टर नंबर 5 यानी मादा की तबीयत हालतों के बारे में बताएंगी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है किंजा से, आप हमें मादा की तबीयत हालतों के बारे में बताएं। मादा की तीन तबीयत हालतें हैं, होस, माया, गैस। ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे में हल हो सकती हैं। तो सैक को जब गर्म किया जाएगा तो इसके ज़रात की जो इसके अंदर जो ज़रात के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है। इस तरह से जब वो गर्म होता है वो माया में तब्दील हो जाता है। क्या गैस और माया दोनों के अंदर मतलब उसका अमल होता है, उनके अमल होता है तो किस हद तक तेज़ होता है या अच्छा होता है? माया और गैस दोनों में गैसों का प्रेशर, गैसों का प्रेशर हर तरफ बराबर होता है। अगर गैसों का गाय है वो उसका प्रेशर हर तरफ बराबर है और प्रेशर वो चीज़ों का डालती है उसके बाद गैसों की खुराक मानती है। आपसे क्या करना चाहिए दान है, इसमें 1619 में गैसों के हवा की मखसूस मकदार में टेम्परेचर तब्दीली ने दिया है। हवा की मखसूस मकदार के अनुसार टेम्परेचर इसकी मकदार और इसके प्रेशर पर होता है। चार्जेस के कानून में इसने ये ध्यान दिया है कि अगर हवा की मखसूस मकदार में अगर उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर को हमेशा कॉन्स्टेंट मेजर किया जाता है और इसकी कॉन्स्टेंट ये होगी भी कॉन्स्टेंट। हमारा आज का